1 मोल ऑफ हमारे पास एक आइडियल गैस है, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है टी केल्विन, और 6R वर्क हो रहा है एडियाबेटिकली। ध्यान देना है वर्क डन प्रोसेस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन 6R है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इज कॉन्स्टेंट प्रेस वॉल्यूम, गामा की वैल्यू दिया हुआ है CP अपन CV, फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस। अब देखो कोई भी एडियाबेटिकली चेंज लाते हो गैस में, प्रेशर चेंज करते हो, वॉल्यूम चेंज करते हो, टेम्परेचर चेंज करते हो, तो इनिशियल टेम्परेचर 6T था, तो फाइनल टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन को आप देखो तभी कर सकते हो जब आप ये, आपको ये बात पता होगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है। अगर ये बात आपको नहीं पता है तो आपको दिक्कत होगा इसको करने में। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन होता है -1 गामा P2V2 -P1V1 ऐसे, या इसी का दूसरा फॉर्म है PV = nRT होता है आइडियल गैस इक्वेशन से, क्योंकि मैं इसको टेम्परेचर के टर्म में लिखना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल के लिए n की वैल्यू 1 हो गई, r कॉमन हो गया, तो 1 - γ r T2 - T1, ये टेम्परेचर के टर्म में एडियाबेटिक में वर्क डन। अब यहाँ से मुझे बात पता चल जाएगी कि T2 हमें निकालना है, फाइनल टेम्परेचर T1 दिया हुआ है T, तो चलो गामा दिया हुआ है 6R। अब ये 6R की वैल्यू रख दिए और 1 - γ की वैल्यू रख दिए 5/3, और R और T2 हमें चाहिए, और इसकी वैल्यू T1 की वैल्यू T है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा R ने R को, तो 6 और -3 - 3/2 और T2 - T, तो ये 2 टाइम्स दैट इज 4 - T2 + T। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो T2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी T - 4 केल्विन। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, मतलब डी ऑप्शन सही है।